जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया का अस्तित्व रहेगा, तब तक नरेंद्र मोदी जी का नाम रहेगा। चौथी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक देगा। एक कहावत आप सुने हैं, कुत्ता भोंके हजार हाथी चले बाजार। जो अपने आप को सच्चा नागरिक मानता है तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर वो जरूर खुश होगा। में हम लोगों ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, उनके यशस्वी होने की कामना हम लोग कर रहे हैं। कहना यही चाहेंगे कि बार बार यह दिन आवे। देखिए, विपक्ष का के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ब्लड डोनेट करके मोदी जी के जन्मदिवस को यादगार बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देखिए, पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है, तमाम लोग हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और लड्डू भी खा रहे हैं, हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। क्या जी हाँ, सबसे पहले तो आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर आज इस प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग आज पूरे जश्नों के साथ इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काम किया है भारत के लिए और विदेश में उनका नाम हुआ है, इसमें और इजाफा हो। क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल बहुत अच्छा है, जश्न मन बहुत बेहतरीन जश्न, ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा कोई आ नहीं सकता है। हाँ, कोई और नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ। विपक्ष के लोगों को क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री पर लगातार सवाल करेंगे। विपक्ष लोग को हम तो कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ नहीं कहिएगा, कुछ नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री काम कैसे कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम कर, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए, बढ़िया काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का तो दिख ही रहा है कि अच्छा कर रहे हैं, रोड बन रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, तो पब्लिक बताएगा, पब्लिक में पूछिए जाके कर रहे हैं। नहीं, पब्लिक में पूछ रहे हैं। आज बीजेपी वाले के लिए बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री का बर्थडे है जी, क्या कहिएगा? उनका बर्थडे है तो आज उनके बर्थडे पर, इससे पहले कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री के बर्थडे पर ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कोई किया जा रहा, जैसे रक्तदान किया जा रहा, लोग स्वेच्छा से अपने मन से आके ब्लड दे रहा है, किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं लाया जा रहा। तो ये श्रद्धा है, वो अच्छे व्यक्ति हैं कि हमको लग रहा है उनको कि चलो ब्लड देना चाहिए इनके बर्थडे पर। तो ऐसे ही कुछ कुछ काफ़ी होते रहेगा, 5 साल अभी 10 साल होते रहेगा कुछ कुछ। क्या कहिएगा, आप युवा हैं, प्रधानमंत्री युवाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी जो थोड़ा बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि ये है नहीं हुआ, ये जैसे लालू यादव जी हैं, उनका भी कुछ कुछ आरोप लगते रहता है, तो जो ऐसा कुछ है नहीं, और जो खामी है उसको ठीक किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। क्या कहिएगा जन्मदिन पर, स्पेशल कुछ बोलिए। जन्मदिन पर उनको हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी, यही बोलेंगे और तमाम जनता से अपील करेंगे कि उनको समस्या वगैरह है तो उनको अपना विभिन्न माध्यम से उन तक पहुंचाइए कि भाई दिक्कत, समस्या पहुंचाइए, समाधान पाइए। हाँ, समस्या पहुंचाइए, समाधान पाइए। चलिए, समस्या पहुंचाइए, समाधान पाइए। तमाम लोग बीजेपी कार्यालय में और तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, क्या कहिएगा आप? नहीं मिस कीजिएगा, बोल दिए। चलिए, कोई बात नहीं, क्या कहिएगा भैया, आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है। आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है और उस बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, उनके यशस्वी होने की कामना हम लोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और हम जो विकसित भारत की संकल्पना को लेकर जो काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे, और इसी शुभकामना के साथ उनके बर्थडे को शुभकामना हम लोग देते हैं। अच्छा, विपक्ष के लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनको क्या कहिए? देखिए, विपक्ष का के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे सवाल खड़ा कर सकते हैं, बाकी सारे विषयों पे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई उनके पास मुद्दा नहीं है जो वो किसी चीज़ पे आंदोलन कर सके, इसलिए कुछ कुछ बोल के वो अपने काम को पूरा कर रहे हैं, अपना बोल कर TRP बढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, वैसा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, क्या कहिएगा आज स्पेशल बोलिए बर्थडे पे। बर्थडे पे स्पेशल प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी हो, प्रधानमंत्री का दीर्घायु हो, ये शुभकामना। चलिए, दीर्घायु, क्या कहिएगा भैया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसके हार्दिक उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और इस बर्थडे के सेलिब्रेशन के अवसर पर हम लोग भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किए गए हैं। उस रक्तदान शिविर में हम लोग सभी लोग, युवा लोग रक्तदान कर रहे हैं और एक किसी गरीब जो रक्त बिना मर रहे हैं उनको एक जीवन दान दे रहे हैं। जीवन दान के लिए रक्त दे रहे हैं हम लोग। चलिए, जीवन दान के लिए रक्त दे रहे हैं, क्या कहिएगा भैया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, क्या कहिएगा? जी, आज मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कहिएगा? पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जश्न का माहौल। कहना यही चाहेंगे कि बार बार यह दिन आवे, बार बार यह दिन आवे, बार बार यह दिन आवे। हम लोग गवाह बने
कि सैकड़ों वर्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में अपना जन्म दिवस मनाएं और हम लोग उस चीज़ का साक्षी बने। आपको पता होगा कि आज 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर पूरा भारतवर्ष अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहा, जश्न मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ब्लड डोनेट करके मोदी जी के जन्मदिवस को यादगार बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी के लोग हैं आज तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होगा। बीजेपी के लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। और जो अपने आप को सच्चा नागरिक मानता है तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर वो जरूर खुश होगा। और मुझे मानना है, मेरा मानना है कि आप भी खुश होंगे, पूरा भारतवर्ष आज प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर खुश होगा। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो सेवा कार्य हो रहा है, लोगों को जो रक्त की कमी से, रक्त की आपूर्ति से लोगों की मौत हो जाती है, उससे जूझने में हम लोग जैसे कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसे कार्यकर्ता ब्लड देकर इस कार्य को, शुभ कार्य को, पुण्य कार्य को कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर। तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश जश्न मना रहा है। जश्न मना रहा है, ये आइडिया कहाँ से आया कि आज ब्लड डोनेट किया जाए? देखिए, ये आइडिया आज का नहीं है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय से ही उनके जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा कर रहा है। और सेवा में ऐसा कुछ कार्य कर रहा है जो देश के अंतिम लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक, जिस चीज़ को फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है, किसी कंपनी में नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ मानव के शरीर में बन सकता है, उसको दें और उससे लोगों का जान बचे, इसी सोच के साथ उनके जन्म दिवस पर सन 2014 से हम लोग लगातार यह कार्यक्रम करते हैं। लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहिएगा आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है? चलिए, इशारा कर रहे हैं और देखिए तमाम लोग जन्मदिन को लेकर उत्साहित भी है, खुश भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन प्रदेश कार्यालय में मनाया जा रहा है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आज मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कहिएगा? देखिए, आज मोदी जी का जन्मदिन है और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो देश के शिल्पकार अगर हम इन्हें बोलें तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से देश को सजा रहे हैं, सवार रहे हैं, नया भारत बना रहे हैं, इससे पूरा देश और देश की पूरी आबादी इतनी खुश है कि आने वाले समय तक, युगों युगों तक नरेंद्र मोदी जी का नाम रहेगा। जब तक भारत का नाम रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी जी का नाम रहेगा। जब तक रहेगा जी, बिल्कुल, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया का अस्तित्व रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी जी का नाम रहेगा। पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार तो बन गए, अगले बार मौका नहीं मिलेगा। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेगी ही बोलेगी। एक कहावत आप सुने हैं, कुत्ता भोंके हजार, हाथी चले बाजार। तो विपक्ष का काम है बोलना। अगर हम लोग उनका बात अगर सुनते रहें तो जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ पाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी हट गए तो हट जाएंगे? ये क्या बोल दिया? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगले बार मैंने आपको कहा ना, जो कहावत है, बोलने दीजिए, भोंकने दीजिए, भोंकने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी जी चलते रहेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, देश बढ़ता रहेगा, बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से देश बढ़ रहा है, आज हम लोग पूरे विश्व में आर्थिक रूप से तीसरा स्थान प्राप्त कर रहे हैं, विश्व में एक अपनी पहचान है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का एक अपनी पहचान है, शांति के अग्रदूत हैं। आज बर्थडे पर क्या कहिएगा, स्पेशल कुछ बोलिए? बर्थडे पर जन्मदिन की मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि चौथी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, चौथी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक देगा। चलिए, चौथी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक देगा। देखिए, हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है, तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, तमाम लोगों का बयान भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक, धन्यवाद।